सो आपको विश्वास नहीं होगा मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मेरी एक्साइटमेंट मुझसे रोकी नहीं जा रही है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे मैंने काम किया है, मैंने अपने लाइफ के प्रीशियस मोमेंट यहाँ पे स्पेंड किए हैं। मैं हूँ रामबाग पैलेस जयपुर में और मैं हूँ स्टीम रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे मैंने अपने मैंने जैसे कि बताया कि काम किया मैंने यहाँ पे। सो आज मैं मलिका को दिखाने लाया था बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम यू नो टू कम विद माई बेटर हाफ वेर ऑल आई हैव वर्क्ड। सो मलिका मेरे साथ है और जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी वेडी होके जो है ट्रेडिशनल वेयर आज मैंने पहना है, क्योंकि पंकज का आखिरकार यू नो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का जो टाइम है उन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया, बहुत कुछ दिया है उन्हें इस होटल ने, मतलब आज जो भी हुआ आई थिंक जो क्रेडिट है वो इस होटल को डेफिनेटली जाना चाहिए। और अभी हम आपको दिखाएंगे स्टीम रेस्टोरेंट। तो बेसिकली स्टीम का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रेन बनी हुई है यार पूरी की पूरी, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। मतलब इतना बढ़िया लगता है अगर आप देखेंगे यू नो कि ट्रेन के अंदर जो बैठ के हम लोग खाना खा सकते हैं, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और अभी जो है हमने पिज्ज़ा भी ऑर्डर किया हुआ है और यहाँ के लोग मतलब यार पूछो ही मत, ऐसा लग रहा है हम किसी घर में ही आ गए हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पुराने साथी, हमारे पहले जो रेस्टोरेंट मैनेजर थे मिस्टर पंकज अतियाल यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा हमारे को और इतना अच्छा लगा कह नहीं सकते। आज उनके लिए हमने वेज पिज़्ज़ा लगाया है, ये वेज पिज़्ज़ा लगाया है, इस मिक्स वेजिटेबल्स है, इसमें ब्रोकली, बेल पेपर्स, ब्लैक ऑलिव्स और सनड्राई टोमेटो है, मशरूम्स हैं और ये इनका फेवरेट पिज़्ज़ा है, पहले भी लेते थे और मुझे आई होप टुडे भी इनको आज बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लग रहा है शेफ़ थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, मैंने इनके साथ बहुत ज़्यादा अपने जो प्रीशियस मोमेंट है लाइफ के स्पेंड किए हैं और मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ उनसे मिलने स्पेशली, उनको पता होगा। और मतलब मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ अभी और ये भी इमोशनल हो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत दिल से पिज़्ज़ा बनाया और मैं पहले नॉनवेज खाता था, उन्होंने बोला कि नॉनवेज पिज़्ज़ा बनाते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं आज वेज खाऊंगा, तो वेज पिज़्ज़ा बनाया। थैंक यू सो मच शेफ। और ये मेरे इस रेस्टोरेंट में मेरे साथ ही नहीं सब एम्प्लॉय के साथ इनसे बहुत से घनिष्ठ संबंध हैं और सब इनको याद करते हैं, बहुत याद करते हैं इनको लोग। और ये कि अच्छे होटलियर से नहीं, इसके अलावा बहुत अच्छे इंसान भी है ये। चलो आपको दिखाते रहेंगे जो भी होता रहेगा। ये इनका ओवन है जहाँ पे बहुत बढ़िया अमेजिंग पिज़्ज़ा बनाते हैं, और अगर आप जयपुर में हैं तो प्लीज़ डू कम टू स्टीम और इनके हाथ का पिज़्ज़ा जरूर खाइएगा। मेरा नाम ले लीजिएगा, आपको पहचान जाएंगे। सो चलो सी यू। आई थिंक लाइफ में मैंने इतना अच्छा पिज़्ज़ा कहीं नहीं खाया। और जैसा कि मैंने बोला कि एक साल से पंकज कह रहे थे यू नो जब भी मैं पिज़्ज़ा का नाम लेते थे कि तुम रामबाग का पिज़्ज़ा खाना, स्टीम का पिज़्ज़ा खाना, आई थिंक इट्स वर्थ। जो भी लोग देख रहे हैं फटाफट से पैक करो, जयपुर आओ, स्टीम का पिज़्ज़ा खाने आ जाओ यार।
ब्रेकफास्ट लाइसेंस बाहर है। अच्छा, तो महाराज साहब अपने गेस्टों के साथ फ्रेंड्स के साथ पोलो वोलो खेल के फिर यहाँ पे आते थे। अच्छा, ड्रिंक्स वगैरह करते थे, इसीलिए इसका नाम पोलो बार। ओके, और इस बार की विशेषता इसमें सब पोलो से रिलेटेड पिक्चर है। जी जी जी, और उनको फाउंटेन का बहुत शौक था जी, इसलिए आप देख तो बात क्या। और यहाँ पे जो ट्रॉफीज वगैरह हैं उन्हीं सब पोलो से रिलेटेड, सब पोलो से उन्होंने जीती खुद की। हाँ, ये 1933 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप जीता था 1933। ये रेफरी का कप सॉरी शूटिंग कर रहा था। बस बढ़िया, आप बताइए। और सुनाओ। बस मजे में। और क्या चल रही? बस कुछ नहीं, अभी मैं एक्चुअली वहाँ से आया था पुणे से ना ड्राइव करके। तो एक दिन पुणे से ड्राइव कर, हाँ एक दिन इंदौर में रुका था, फिर एक दिन यहाँ पे। अरे आपको वाइफ से मिलवाता हूँ। मलिका बहुत मेहरबानी करिए सर, आप दर्शन हो गए आपके। अरे कैसे बात है, बहुत मेहरबानी करिए आपने। नहीं नहीं चलो चलते हैं। चलो सर, थैंक यू सो मच। बिठा बिठा तो लो। नहीं नहीं बस बस, गॉड ब्लेस यू। छोड़ दे, कोई भी काम हो मैं लाइक तो फरमाना। जी जी जी।